हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं किरण, आप सबका दोस्त और होस्ट। दोस्तों मैं आज एंड्रॉइड के ऐसे 7 गेम बताने वाला हूं, टॉप 7 एडिक्टिव गेम है जो आप हर समय इसको खेल सकते हैं और बहुत सारे यूज़र इस गेम को खेलते भी हैं। दोस्तों चलिए इस वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने जो पहला गेम है दोस्तों वो है दोस्तों फ्लाई और ड्रॉप। इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे खासे इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे और सही में ऊपर से एक पानी का ड्रॉप जिसे गिरता है ना, उसी हिसाब से पानी का ड्रॉप गिरेगा। उसके बाद आपको लेफ्ट राइट स्पीड के हिसाब से स्वाइप डाउन करके उसी हिसाब से इसको इंटरफेस मिल जाता है। जैसे ही स्क्रीन में देख रहे हो बहुत अच्छे खासे इसमें गेम है और हर समय इस गेम को आप इसमें ईजिली इसको प्ले कर सकते हैं। एंड्रॉइड के लिए फ्री टाइम में इस गेम को आप खेल सकते हैं। दोस्तों हमारे सामने जो नेक्स्ट गेम है दोस्तों वह ड्रॉ लाइन। ये बेसिकली एक पजल गेम है, आप लोगों को देखने को मिला स्क्रीन में, इसे देख पा रहे हो। आपको राउंड शेप करना है तो एक लाइन टाइप ड्रॉ हो जाता है, उसके बाद आपको कॉइन वगैरह कलेक्ट करने रहते हैं। तो इसी टाइप का एक पहले तो बता देगा कि हिंट दे देगा कि इस टाइप का आपको करना है, उसके बाद आपको अपने हिसाब से ही ड्रॉ करना पड़ेगा सारे हिंट्स को, उसके बाद आगे कॉइन कलेक्ट करने पड़ेंगे और आगे आगे इसके जितने लेवल हैं वो बहुत हार्ड होते रहेंगे। गेम का तो रूल आप लोगों को पता है, जितने पजल गेम वगैरह रहते हैं आगे आगे गेम बहुत हार्ड होते रहते हैं, तो इस गेम को आप जाके ऐसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगला गेम है दोस्तों वो है स्पेस फॉर्च्यून 2। इसका पहला वर्जन भी आया था स्पेस वर्जन 1 नॉर्मल वर्ल्ड के। इसमें बेसिकली रॉकेट रहता है, ऊपर जाता रहता है सीधा, उसके बाद टाइम खत्म होने से पहले उसका जितना बेस रहता है बेस को आपको ड्रॉप करना रहता है। जितने आगे आगे जाओगे लेवल आगे आगे बढ़ते रहेगा, उसी हिसाब से ये आपका लेवल बहुत इंक्रीज होता रहेगा और रॉकेट का आपके साइज और स्पीड के हिसाब से आगे बढ़ता रहेगा इसमें दोस्तों। तो ये गेम को आप जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट गेम है दोस्तों वो हम लोग का है मेज वॉक। ये बेसिकली एक पजल गेम ही है और सिंपली जो बचपन में पजल गेम खेलते थे, एक कॉइन रहता था इधर, तो उसी हिसाब से लाइन के अंदर से जाके कहाँ से किस लाइन के हिसाब से आपको जाना है उसी हिसाब से इसी गेम में ही सेम टाइप का इंटरफेस देखने को मिलता है। जैसे ये स्क्रीन में देख रहे हो आप, तो अच्छे खासे इसमें इंटरफेस मिल जाते हैं। आगे आगे पजल गेम जैसे मैंने बोला था, पजल गेम आगे आगे इसको डिफिकल्ट बनाता रहता है स्टेज वगैरह को। दोस्तों जो नेक्स्ट गेम है हम लोग के सामने दोस्तों है वो रोलर कोस्टर। इसमें आप लोगों को अच्छे खासे रोलर कोस्टर ड्राइव मिल जाते हैं, आपके स्पीड के हिसाब से आपको मिलता है उसी हिसाब से जाना है। जितना स्पीड आप नीचे गिरोगे उसी हिसाब से अगर रोलर कोस्टर डैमेज हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, उसी हिसाब से काम करता है ये वाला गेम। और सेम है एक अलाइन डिफेंस और आगे आगे ये गेम भी बहुत इंटरेस्टिंग होता रहता है। मैंने ये गेम को बहुत अच्छे टाइम तक खेला है और मुझे ये वाला गेम बहुत अच्छा लगा दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारे सामने दोस्तों है वो तो स्काई रसर। इसमें आप लोग को अंधेरे में ही सारा कुछ जैसे आप देख पा रहे हो एक टनल के अंदर से जाना है, कॉइन वगैरह रहते हैं, व्हाइट कलर का कॉइन रहेगा उसको आपको कलेक्ट करने रहता है। तो अब सही से नहीं दिखेगा तो डैमेज हो जाएगा आपका, जिससे स्पेसशिप है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसी हिसाब से गेम वगैरह काम करता है, सही से देख के एक सही वे में आप जाओगे तो इसे गेम खेल पाओगे दोस्तों। तो हमारे घर में लास्ट एंड फाइनल गेम है दोस्तों ये वाला गेम मुझे बहुत अच्छा लगा, फ्लिंग ड्रिप। ये आप लोगों को अच्छे का ड्रिप टाइप का एक ऑप्शन देखने को मिलता है रेसिंग गेम टाइप में। जैसे आप देख पा रहे हैं जैसे टर्निंग आता है आपको होल्ड करके रखना है, उसके बाद वो अपने से ड्रिप करेगा, फिर नेक्स्ट टर्निंग में फिर होल्ड करके रखना है, फिर ड्रिप करेगा। तो उसी हिसाब से ये वाला ड्रिपिंग सिस्टम है इस गेम में दोस्तों। होप ये जो 7 गेम बताए आप लोगों को ये अच्छे भी लगे होंगे और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगे ये वाले गेम, और हर समय एक अच्छे खासे इसमें टाइम पास के लिए वाला गेम खेल सकते हैं दोस्तों। अगर ये गेमिंग वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। इसी गेम को आप इंजॉय करके फ्री टाइम में इजीली इसको प्ले कर सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग वीडियो में दोस्तों। फिलहाल के दोस्तों गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।